हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना किचन रेसिपी। तो आज हम जानेंगे एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वालों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन किसी भी हाल में दान दिया भोजन अथवा किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्यास्त तक चलता रहे और व्रत रखने वाले को इस अवधि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजा से विष्णु जी की प्रसन्नता से हर भौतिक सुख सहज रूप से मिलता है। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश पंडित जी भी यही बताते हैं कि एकादशी व्रत रखने वाले को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी हाल में दान दिया भोजन किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्यास्त तक चलता है, तो व्रत रखने वाले को इस अवधि में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और दशमी के दिन से ही प्याज लहसुन मसूर की दाल चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी एकादशी और उसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज लहसुन मसूर उड़द चने की दाल कांदों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शहद भी नहीं खाएं। व्रत के दिन कोल्ड ड्रिंक तला भोजन आइसक्रीम डिब्बाबंद खाना पेक फलों के रस और बाजार का खान पीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संभव हो तो निराहार व्रत रखना चाहिए। सामर्थ्य ना हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं। व्रतधारी फल घर में निकला हुआ फल का रस दूध जल का सेवन करना चाहिए। फलों में केला आम अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सभी प्रकार के फल जैसे चीनी कुट्टू आलू साबूदाना शकरकंद जैतून नारियल दूध बादाम अदरक काली मिर्च सेंधा नमक आदि खाने योग्य पदार्थ शामिल है। सभी अनाज जैसे चावल बाजरा जौ मैदा उनसे बनी अन्य वस्तुएं उड़द मसूर दाल इससे बनी वस्तुएं मटर छोला सेम सलजम गोभी गाजर पालक एकादशी व्रत में वर्जित खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा मेथी हींग सरसों सौंफ इलायची इमली लौंग जायफल आदि मसाले भी वर्जित हैं। बेकिंग पाउडर नमक बेकिंग सोडा कस्टर्ड जैसे बाजारू खाद्य पेय और मिठाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भूलवश ऐसा होने पर सूर्यदेव के सामने विष्णु भगवान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये था खास वीडियो कि एकादशी के व्रत में हमें क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं सेवन करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप इन नियमों का जरूर पालन कीजिए। जरूर फलदायी होता है ये देव शयनी एकादशी है 20 जुलाई को। तो आप इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।